नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास मारवाल, प्रवक्ता भौतिक शास्त्र, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीकर। आप सभी दर्शकों का TTC जोधपुर के इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सब्जेक्ट कोड 102 अप्लाइड फिजिक्स की थर्ड यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स के टॉपिक स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी यानी स्टोक के नियम और अंतिम वेग या सीमांत वेग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि कोई बॉडी किसी फ्लूड का मतलब है कि कोई लिक्विड भी हो सकता है, कोई एयर या गैस भी हो सकती है। तो जब कोई बॉडी किसी फ्लूड में गति करेगी, उसमें नीचे की ओर गिरेगी, तो फ्लूड के कांटेक्ट में आने के कारण उस बॉडी पर एक रिटार्डिंग फोर्स, एक मंदन बल काम करेगा जो उसकी गति को कम करने का प्रयास करता है। तो ये जो रिटार्डिंग फोर्स है उसे विस्कस फोर्स कहते हैं, और विस्कस फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट काम करता है। तो फ्लूड के द्वारा इस बॉडी पर लगाया गया विस्कस फोर्स कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे उस बॉडी की साइज क्या है, फ्लूड की विस्कोसिटी कितनी है और उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है। तो कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के आधार पर सर जॉर्ज स्टोक नाम के साइंटिस्ट ने विस्कस फोर्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया जिसे स्टोक्स लॉ कहते हैं। स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि कोई स्फेरिकल बॉडी, गोलाकार वस्तु जिसकी रेडियस r है और वो ईटा विस्कोसिटी के एक फ्लूड में नीचे की ओर गिर रही है, तो उस बॉडी पर लगने वाले विस्कस फोर्स की वैल्यू होगी F=6πr(ET)VT। VT जहां बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी है, सीमांत वेग कहलाता है बॉडी का, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टोक्स के नियम से ये स्पष्ट है कि विस्कस लॉ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, मीन्स विस्कस फोर्स की वैल्यू जो है वो फ्लूड की विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है, यानी कि विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी फ्लूड की बॉडी पर उतना ही ज़्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। सेकंड, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मीन्स उस बॉडी की रेडियस जितनी ज़्यादा होगी, साइज जितना ज़्यादा होगा उस पर विस्कस फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। एंड थर्ड, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT, मीन्स बॉडी की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उस पर विस्कस फोर्स भी उतना ही ज़्यादा काम करेगा। स्टोक्स लॉ हर कंडीशन में अप्लाई नहीं होता है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं देखते हैं। फर्स्ट, स्टोक्स लॉ इज वैलिड फॉर लेमिनार फ्लो ओनली, यानी कि स्टोक का नियम केवल लेमिनार फ्लो का मतलब है कि जब फ्लूड की वेलोसिटी बिल्कुल कम हो, उसका प्रवाह एक तरीके से शांत प्रवाह हो, उसी कंडीशन में स्टोक्स लॉ वैलिड रहता है। यदि फ्लूड की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है तो उस समय उसका फ्लो जो है टर्बुलेंट फ्लो होता है और उसमें स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं रहता है। सेकेंड, स्टोक्स लॉ इज़ वैलिड फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स ओनली, यानी स्टोक का जो नियम है वो केवल गोलाकार वस्तुओं के लिए लागू होगा। तीसरा, स्टोक्स लॉ इज़ वैलिड फॉर होमोजीनियस फ्लूड्स ओनली, यानी कि स्टोक का जो नियम है वो केवल समांगी का मतलब है कि ऐसा फ्लूड जिसकी प्रॉपर्टीज डेंसिटी वगैरह यूनिफॉर्म हो, एक समान हो, तो केवल होमोजीनियस फ्लूड्स जो हैं उन्हीं के लिए स्टोक्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। स्टोक्स लॉ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के आधार पर डिराइव किया हुआ है, तो वैसे तो इसकी कोई थ्योरेटिकल डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इसे डायमेंशनल एनालिसिस विमीय विश्लेषण द्वारा इसे डिराइव किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की।
तो जब किसी वस्तु को, किसी बॉडी को किसी फ्लूड में नीचे की ओर गिराया जाए, तो शुरू में उसकी ग्रेविटी के कारण, उसके वेट के कारण उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी तो उस पर लगने वाला जो विस्कस फोर्स है फ्लूड के कारण, शान बल जो है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा उस बॉडी पर एक और फोर्स काम करेगा जिसे बायोंट फोर्स, उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल के बारे में हम जानते हैं कि जब किसी बॉडी को फ्लूड के अंदर डुबोया जाता है तो जितने फ्लूड को वो डिस्प्लेस कर देगी, हटा देगी, उसका जो वेट जो आएगा उसके बराबर वेट उस बॉडी का कम हो जाएगा। तो बायोंट फोर्स जो होगा वो भी उस बॉडी पर ऊपर की ओर काम करेगा। तो इस प्रकार उस बॉडी पर तीन फोर्स काम करेंगे। विस्कस फोर्स काम करेगा ऊपर की ओर, बायोंट फोर्स, उत्प्लावन बल, ये भी ऊपर की ओर काम करेगा, और उस बॉडी का वेट जो होगा गुरुत्वीय बल, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, वो नीचे की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। अब एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ऊपर की ओर लगने वाले बल वर्टिकली अपवर्ड और नीचे की ओर लगने वाले बल वर्टिकली डाउनवर्ड दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और नेट फोर्स जीरो होने के कारण बॉडी का एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। इट मीन्स वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। तो ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी जो आएगी वो इसकी बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है, अंतिम वेग या सीमांत वेग कहलाती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन में ऊपर की ओर लगने वाले बल बायोंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स, जिसे ड्रैग फोर्स भी कह सकते हैं, तो एफ डी प्लस एफ वी इज इक्वल टू इसके वेट के बराबर होगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एफ डी प्लस एफ वी इज इक्वल टू एफ जी। तो टर्मिनल वेलोसिटी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेनेबल बाई एन ऑब्जेक्ट एज इट फॉल्स थ्रू ए फ्लूइड, अर्थात किसी तरल माध्यम में गिरती हुई वस्तु का अधिकतम वेग जो कि नियत वेग होगा वो सीमांत या अंतिम वेग कहलाता है। टाइम के साथ यदि फ्लूड में गिरती हुई वस्तु की वेलोसिटी का ग्राफ यदि प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके से आएगा जो इसमें डायग्राम में शो किया हुआ है। वेलोसिटी पहले बढ़ेगी और फिर एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी की तरफ अप्रोच करेगी जिसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब हम किसी स्फेरिकल बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी। मान लीजिए ये जैसा कि आपको इसमें डायग्राम में दिखाया गया है कि एक स्फेयर है, मान लीजिए उसकी रेडियस r है और इसकी डेंसिटी जो है वो रो है। वो किसी फ्लूड में नीचे की ओर गिर रही है, फ्लूड की डेंसिटी सिग्मा है और इसकी विस्कोसिटी ईटा मान लेते हैं। तो जैसा कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया कि इस पर तीन फोर्स काम करेंगे, फ्लूड के कारण जो विस्कस फोर्स शान बल लगेगा ये वर्टिकली अपवार्ड इस पर काम करेगा, फ्लूड के कारण इस पर एक बायोंट फोर्स भी काम करेगा वो भी इस पर ऊपर की ओर वर्टिकली अपवार्ड काम करेगा, और तीसरा जो है इस बॉडी का जो वेट जो होगा जिसे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कह सकते हैं, गुरुत्वीय बल कह सकते हैं, वो वर्टिकली डाउनवर्ड इस पर काम करेगा। तो पहले हम तीनों जो फोर्स जो इस पे काम कर रहे हैं उनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। सबसे पहले विस्कस फोर्स, इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली स्टोक्स लॉ से लिख सकते हैं, तो एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई आर ईटा वी टी, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। सेकेंड फोर्स है बायोंट फोर्स, उत्प्लावन बल जो वर्टिकली अपवर्ड काम करेगा। तो बायोंट फोर्स की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग बायोंट फोर्स एफ वी इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूड डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर, स्फीयर जितना फ्लूड हटा देगा उसका वेट जो आएगा वो बायोंट फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वेट इज इक्वल टू मास इनटू जी, वेयर जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ जो मास आएगा वो मास आएगा डिस्प्लेस्ड फ्लूड का, जितना स्फेयर ने डिस्प्लेस्ड कर दिया उसका जो मास आएगा उसको हम एम डैश कह देते हैं। अब चूंकि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यहाँ वॉल्यूम आएगा स्फेयर का, क्योंकि स्फेयर अपने वॉल्यूम के बराबर जो फ्लूड को डिस्प्लेस कर रहा है इसलिए वॉल्यूम
ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूड, वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के बराबर, और डेंसिटी आएगी फ्लूड की, क्योंकि हमको जो है वेट निकालना है फ्लूड का. सो एफ वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूड इंटू जी. वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी ऑफ फ्लूड इज सिग्मा एंड जी. तो फाइनली एफ बी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी. इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं. थर्ड हम लेते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय बल या वेट जो है बॉडी का, और वर्टिकली वो डाउनवर्ड काम करेगा. तो एफ जी इज इक्वल टू वेट ऑफ स्क्वेयर, वेट ऑफ स्फेयर विच इज इक्वल टू मास ऑफ स्फेयर इंटू जी. मास ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इंटू डेंसिटी ऑफ स्फेयर. तो फाइनली एफ जी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी. इसे इक्वेशन नंबर 3 अपन कह देते हैं. तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्टिकली जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रही होगी उस समय इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड जो फोर्सेज हैं उनका सम हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर. मीन्स एफ डी प्लस एफ बी इज इक्वल टू एफ जी. सो वी कैन राइट एफ डी इज इक्वल टू एफ जी माइनस एफ बी. इस इक्वेशन 4 कह देते हैं. अब इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं एफ डी एफ जी और एफ बी की, वो पुट कर देते हैं. तो इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं वी टी के लिए. सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड में हम जो कॉमन फैक्टर जो आ रहा है 4/3 पाई आर क्यूब जी, इसे कॉमन ले लेते हैं. कॉमन लेकर के लेफ्ट हैंड साइड से 6 पाई आर ईटा जो है उसको राइट हैंड साइड में नीचे की ओर ले जाएंगे. तो फाइनली वी टी का जो फॉर्मूला होगा टर्मिनल वेलोसिटी का, वो हमारे पास आ जाएगा 2/9 पाई आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा. तो इक्वेशन से ये स्पष्ट हो रहा है कि वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है उस स्फेरिकल बॉडी की रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होगी. यानी कि बॉडी की रेडियस जितनी ज़्यादा होगी, बॉडी जितनी बड़ी होगी, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी. सेकेंड, टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा विस्कोसिटी. मतलब बॉडी की विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ही कम हो जाएगी. एंड थर्ड, वी टी इज प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो स्फेयर बॉडी की, स्फेरिकल बॉडी की डेंसिटी और फ्लूड की डेंसिटी के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल में होगी. अब हम चर्चा करते हैं स्टोक्स लॉ की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में. तो सबसे पहले स्टोक्स लॉ इज इम्पोर्टेंट इन मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्ञात करने के लिए, उसका आवेश ज्ञात करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसे मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं. तो इस एक्सपेरिमेंट में स्टोक्स लॉ को अप्लाई किया जाता है. सेकेंड, बरसात की जो बूंदें होती हैं रेन ड्रॉप्स, उसमें बड़ी बूंद जो होगी वो जब हमारी बॉडी के ऊपर गिरेगी तो वो ज़्यादा तेज़ी से गिरती है, वो ज़्यादा उससे चोट लगने की संभावना रहती है. उसका कारण ये है, जैसा हमने अभी पहले देखा कि वी टी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो बड़ी जो बूंद होगी, बड़ी रेन ड्रॉप जो होगी, उसकी आर ज़्यादा होगी तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, इसलिए वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे आके टकराएगी. तीसरा, पैराशूटर जब ऊपर से नीचे जंप लगाते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो एयर होगी उसके कारण उन पर एक विस्कस फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, तो वो उनकी वेलोसिटी को कम कर देता है विस्कस फोर्स के कारण, और वो फाइनली जो है एक टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे की ओर आते हैं. इसलिए जितना तेज़ी से वो आने चाहिए ग्रेविटेशन के कारण, उतना तेज़ी से वो नहीं आते. और इसमें इसके जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो है 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड.
तो हमको इसके ऑयल की विस्कोसिटी निकालनी है, और ऑयल की डेंसिटी दी हुई है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, और कॉपर की डेंसिटी दी हुई है 8.9 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। तो जो डेटा हमको दिए हुए हैं वो है टर्मिनल वेलोसिटी 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसको SI यूनिट में, सेंटीमीटर को मीटर में। रेडियस 2 mm है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगी अपने पास 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। डेंसिटी ऑलरेडी SI यूनिट में है तो 8.9 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। सिग्मा वो भी SI सिस्टम में दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। सिंस वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी Vg Vt इज इक्वल टू 2R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा z अपॉन 9 नीटा। तो ये जो इक्वेशन है टर्मिनल वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला है इसको रीअरेंज कर लेते हैं अपन ईटा के लिए, तो ईटा इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू z अपॉन 9 Vt। ये सभी वैल्यूज़ अपने पास अवेलेबल हैं, इन सभी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली अपने पास ईटा आ जाएगा 9.934 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 केजी पर मीटर पर सेकेंड। तो ये विस्कोसिटी आ जाएगी उस ऑयल की जिसमें कॉपर बॉल नीचे की ओर गिर रही है। धन्यवाद।